वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नेपाल विमान हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जिसमें एक और यात्री का शव मिला है। अब तक कुल 70 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन आज फिर से शुरू हो जाएगा। जिन लोगों के शवों की पहचान हुई है, घर वालों को वो शव सौंपे जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हालांकि 70 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं और जो जानकारी मिली उसके अनुसार 72 लोग इस विमान में सवार थे। 2 शवों की अभी भी तलाश जारी है। कल भी दिन भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा और आज फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, 70 शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं, कुछ शवों की शिनाख्त हो गई, उसके बारे में जानकारी दें और साथ ही ये भी बताएं कि आज जो सर्च ऑपरेशन शुरू होगा वो कब से शुरू हो जाएगा। देखिए जी, सुबह 8 बजे से सर्च ऑपरेशन शुरू होगा और जहां तक शवों की बात है, कुल यात्री जो सवार थे वो 68 थे और 4 क्रू मेंबर थे उस प्लेन में जो काठमांडू से पोखरा के लिए निकला था और सुबह लगभग 11 बजे के आसपास वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लगभग 45 शवों की अब तक शिनाख्त हो पाई है। अन्य शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है क्योंकि बहुत सारे शव बुरी तरह जल गए हैं, कई शव छत विच्छत हो गए हैं, तो ऐसे में लगातार शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। इसके लिए डीएनए टेस्ट का भी सहारा लिया जाएगा। आज कई सारे शव जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है उनको हेलीकॉप्टर से पोखरा से काठमांडू ले जाया जाएगा और वहाँ जो डीएनए टेस्ट की कार्रवाई होनी है वो आगे बढ़ाई जानी है। आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुबह से शुरू होगी। कल रात 8 बजे तक कई शवों का पोस्टमार्टम किया गया था। सुबह से लोगों को, जिन शवों का पोस्टमार्टम हो गया उनको दिए जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि लोग परेशान हैं, 2 दिन हो चुके हैं और इस हादसे को। उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए जो परिजन है वो कहीं ना कहीं परेशान है। कल भी मैंने देखा था पोस्टमार्टम हाउस पर रात तक काफ़ी भीड़ जमा थी, लोग चाह रहे थे कि उनके जो परिजन मारे गए हैं दुर्घटना का शिकार हुए उनके शव उनको सौंप दिए जाए, तो ये कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा जिन शवों का पोस्टमार्टम शेष रह गया है वो भी विवेक अभी सुबह 8 बजे के आसपास से वो उनको देना शुरू किया जाएगा और वो लेकर के अपना अंतिम संस्कार की क्रिया करेंगे। संजय, मुझे मेरा सवाल इसी से एक संबंधित था कि जो भारतीय जो लोग उसमें सवार थे उनके बारे में अब तक क्या अपडेट मिल पाई है, उनके शवों को कैसे सौंपा गया और क्या जो 2 लोग लापता हैं उसमें अभी भी कुछ नाम बाकी हैं? विवेक, देखिए कुल 5 लोग भारतीय थे इस हादसे में, जिनमें 4 लोग यूपी के गाजीपुर के थे और एक बिहार के मोतिहारी के रहने वाले थे, संजय जायसवाल। इन 5 लोगों की मौत हुई है। इन सभी के शव, चूंकि तय किया गया है कि जो भी विदेशी नागरिक इस हादसे में मारे गए हैं उनके शव काठमांडू से बकायदे सारी औपचारिकताएं पूरी करके ही दिए जाएंगे, तो आज इन शवों को लेकर के काठमांडू ले जाया जाएगा और उसके बाद वहाँ से जो औपचारिकताएँ होती हैं, जो कार्रवाई होती है पूरा करने के बाद काठमांडू से ही शव दिए जाएंगे। हालांकि बिहार के जिन संजय जायसवाल की मौत हुई उनके परिजनों से हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि पोखरा में दुर्घटना हुई थी, संजय जायसवाल पोखरा में अपनी बहन के पास आए थे उनकी भांजी को देखने के लिए, तो उनकी ये डिमांड थी कि उनका शव उनको पोखरा में ही दे दिया जाए, तो अंतिम संस्कार की जो कार्रवाई वो करेंगे। बहरहाल जो नियम बनाया गया है नेपाल सरकार की ओर से वो यही है कि जितने भी विदेशी नागरिक हैं, कई देशों के नागरिक इस हादसे में मारे गए हैं, यूक्रेन के नागरिक हैं, रशिया के नागरिक हैं, अर्जेंटीना के नागरिक हैं, तो इन सारे के सारे देशों के जो नागरिक हैं वो सारे के सारे उनके जो शव हैं वो विवेक काठमांडू से ही दिए जाएंगे। जी ठीक है संजय, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।